गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद सुरभि में आप लोगों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। हम लोग बहुत अच्छे हैं, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और अभी शाम का 6:15 हो गया है और अभी ना मैं कुछ बनाऊंगी सोच रही हूँ, तो सोचिए कि आप लोग से भी शेयर करते हैं। और अभी ठंडा आ चुका है तो वो जो बनाने वाली हूँ ना, वो चीज़ ठंडा में ही खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो दिखाते हैं क्या बनाने वाली हूँ और आप लोग भी देखिए। चलिए, इधर में ये रहा, ये चावल का आटा है। इसको ना तभी भिगाए थे, एक हाथ से नहीं उठेगा क्योंकि भारी है। और ले जाते हैं इसको। छोटी भी ये उठ गई है छोटी। और इधर में ना तभी सुबह में इसको भिगाए थे, उसके बाद करंट नहीं, ये लाइट नहीं यहाँ पे, ये रहा। इसको एक किए थे, भिगा दिए थे, उसके बाद जब उसका पानी सारा निकल गया था ना, तो इसको पीस लिए हैं, पीस के छान लिए हैं। अभी सोच रहे हैं इसका पिठा बनाऊंगी, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है। और ये ना थोड़ा ठंडा में ही खाना खाने में अच्छा लगता है। और ये रही छोटी, क्या हुआ, भाग गई, अभी सो के उठी है, हम भी लेटे हुए थे उसी के साथ थोड़ा सा। तो चलिए बनाती हूँ मैं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ बादाम भी कुछ मिला देती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे सिंपल भी बनाती हूँ, कुछ भी नहीं मिलाती हूँ ऐसे ड्राई फ्रूट में। तो सोच रही हूँ इस बार मिलाऊंगी, तो इसीलिए ये बादाम भून रही हूँ। और ये भूनने के बाद इसका छिलका हटा के साफ कर लूँगी। तो इधर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। और ये वाला कटोरी में ना इतना पानी है, पूरा नहीं भरा हुआ है, को डाल देती हूँ। और इसी में बादाम को भुनी थी ना, इसीलिए वो उसका छिलका रह गया है। और इसको अच्छा से उबालने देती हूँ पानी को, उसके बाद डालूँगी गुड़। और ये 1 kg गुड़ है और इधर में थोड़ा सा गुड़ है, तो 1 kg का बनाऊँगी मैं। इसको अच्छा से खोलने देती हूँ और इधर में मैं कूट रही हूँ बादाम को। ये देखिए, एकदम महीन नहीं करना है, दो दो टुकड़ा। और इधर में ये अच्छा से उबल रहा है, तेल पानी, सॉरी पानी है। और पानी अच्छा से उबल गया है तो इसमें डाल देती हूँ अभी गुड़। इसमें जितना गुड़ है सब डाल दी और बाकी इसमें है वो वाला डाल देती हूँ। तोड़े नहीं है, ऐसे ही डाल दे रही हूँ। इतना ही गुड़ का बनाऊंगी, बस इतना ही का, इतना बचा दे रही हूँ। मतलब 1 kg से तो थोड़ा सा कम है। और फुलताव है, ये वाला गुड़ ना थोड़ा सा क्या बोलेंगे, कलर ऐसे है। और एक गुड़ आता है वो थोड़ा सा मतलब कैसे बोलेंगे, अच्छा पीला पीला कलर का रहता है। वो वाला से बनाने से ना पीठा भी एकदम बहुत अच्छा दिखता है। और ये तो गुड़ ही इस कलर में है, तो पीठा भी इसी कलर में हो जाएगा। और कोई नहीं, ठीक है, ऐसे भी इसी कलर में ज़्यादा बनता, ज़्यादातर इसी कलर से ही बनता है। और गुड़ भी अभी पिघलना शुरू हो गया है। और ये गुड़ को पूरा अच्छा से पिघल जाएगा, उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को। अभी टाइम लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो मेरा। इसको पिघलने देते हैं। और ये देखिए गुड़ कितना अच्छा से उबल रहा है। और गुड़ ना अभी भी कुछ कुछ नहीं पिघला है ना, है मतलब, तो और पकाना है गुड़ को। और ये अब पक चुका है गुड़, तो इसको ना चेक करते हैं तब परफेक्ट हुआ है कि नहीं। तो पानी है, पानी में ये गुड़ को अभी डाल देते हैं, उसके बाद इसको
इसे उठा के देखेंगे, एक जगह अगर जमा हो रहा है, नहीं फैल रहा है, तो हो गया है। तो ये मेरा, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये देखिए हो गया है, थोड़ा सा और 2-3 मिनट लगेगा। ये पानी को नहीं फेंकूंगी, इसी में फिर से चेक करूंगी। और ये देखिए इधर में ना, मैं चेक कर ली हूँ, ये देखिए मतलब कि ऐसे, ये देखिए अच्छा से जमा हो रहा है, ये देखिए मतलब हो गया है, गुड़ पक चुका है। अब इसमें डालूंगी चावल का आटा। और ये हो चुका है, और अभी ना फ्लेम को लो कर दिए हैं, ऐसी लो फ्लेम में ही ये चावल का आटा डाल देते हैं। चावल का आटा डाल के अब इसको अच्छा से चलाना है। और थोड़ा सा लगेगा, बहुत पतला है। अब इसको अच्छा से मिला देते हैं, अच्छा से मैं मिला लेती हूँ। और ये देखिए इतना गाढ़ा है, और इससे ना, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, और हार्ड हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं बनेगा इतना। और इसी तरह रहेगा ना तो फिर बनाने में, जब ठंडा हो जाएगा तब भी वो अच्छा रहेगा। तो ये मेरा बेटर हार्ड नहीं होगा, हार्ड हो जाने से फिर गर्म पानी करके फिर मिलाना पड़ेगा, तो गर्म पानी करके मिलाना ना पड़े, इसीलिए मैं इतना रख रही हूँ। और अभी गैस को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ये वाला बादाम इसको डाल देते हैं। चाहे तो सौंफ सब मिला सकते हैं, सौंफ और भी किशमिश काजू जो भी हो, ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं, पर इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं मिलाऊंगी। कभी कभी तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ, कुछ नहीं मिलाती हूँ। तो इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बनाऊंगी। और गैस को ना यहाँ नीचे उतार लिए हैं, क्योंकि टाइम लगेगा तो कितना देर खड़ा रहेंगे वहाँ पे, और ज़्यादा देर खड़ा रहने से मेरा बैक पेन होता है, तो इसीलिए देखिए तेल डाल दिए हैं, इतना तेल डाले हैं। अब गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, और इधर में सब लेके आए हैं। और इसमें ना, इसमें बनाऊंगी, और इधर है, और उधर में रखने के लिए लाए हैं, और उधर में हम लोग का कुछ कुछ सामान है, और इधर तेल है रिफाइन का। इसमें से ना हाथ में थोड़ा लगा के करने से हाथ में नहीं चिपकेगा, हाथ में थोड़ा लगा के बनाने से नहीं चिपकेगा। और इधर तेल गर्म कर रही हूँ, देखिए ऐसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, तो ज़्यादा गाढ़ा करने से ना, ठंडा होने से थोड़ा सा ये हो जाता है, टाइट हो जाता है, टाइट होने से अच्छा से बनता नहीं है, फटता है साइड साइड से, इसीलिए। ये ठंडा हो जाएगा तो ठीक होगा, इसीलिए तब तो आटा का जितना ले लिए हैं एक लोई, और इसको ऐसे चिपटा करके फैला देते हैं। और इधर तेल गर्म हो चुका है, अब डाल देते हैं। अच्छा से बन जाओ, मेरा बेइज्जती तो नहीं कराओ। वाह, ये देखिए फूल गया है, इसको अब पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा से फूल चुका है मेरा फर्स्ट वाला, अब इसको उतार लेते हैं। और ये फर्स्ट वाला आप लोगों के लिए, ये फर्स्ट वाला आप लोगों के लिए खा लीजिए। और इसमें ना नीचे में मुड़ ही रखे हैं, क्योंकि तेल को सोख लेगा,
और नहीं तो ना पूरा तेल तेल हो जाएगा नीचे वाला। अभी भी और बाकी भी इसी तरह से लेके बना लेते हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छा से फूल गया है। और अभी ना पता है बनाने से पहले मम्मी को फोन किए थे, क्योंकि ना मेरा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, मतलब फटने लगता है, अच्छा से नहीं बनता है, तो इसीलिए बनाने से पहले मम्मी से पूछ लिए इतना गुड़ है, मतलब सब बता दिए, गुड़ कितना है, पानी कितना लेना है बता दी, उसके बाद बनाए। और अभी ना हस्बैंड के साथ बनाएंगे, क्योंकि अकेले से हम नहीं कर पाएंगे, ज्यादा भी है और ज्यादा तेज हो गया है, तेल ज्यादा गर्म हो गया है, और हस्बैंड निकालेंगे और मैं बनाऊंगी। और ये देखिए कितना अच्छा एकदम फूला फूला बन रहा है। इसी तरह से बनाइए आप लोग भी। और ये मकर में हम लोग का बहुत मतलब बनता है सब घर में। ये देखिए कल बनाए हैं, कल तो उसके बाद नहीं किया, ये सब पैक हुआ है, देना है किसी किसी को, इतना सारा बन गया है, इतना सारा बन गया है। और इसमें भी डाल दिए हैं, किसी किसी को देना है।